अब बेनीपट्टी में सिर्फ एक बड़ी चीज बाकी रह गई जो भारत सरकार ही दे सकती है, वो है बेनीपट्टी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाए। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में यहाँ 2 NH का निर्माण स्वीकृत हुआ। भारतीय जनता पार्टी में ने 17 में 12 जीतने का काम किया, 5 हम हार गए, इसका हमें कष्ट है। इंडिया गठबंधन के लोगों को पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने एक झूठा नैरेटिव करने का प्रयास किया। वो नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान का विरोधी है। नीतीश कुमार जी तो बार बार कह रहे हैं कि अब जो बीत गई सो बात गई, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब यही रहेंगे। सबसे पहले तो बेनीपट्टी की महान जनता की ओर से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने तीसरी बार लगातार पद ग्रहण किया। 62 में पंडित जवाहरलाल के बाद कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। लेकिन इस क्रम में मैं बेनीपट्टी की जनता को भी बधाई देता कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 35,000 से ज़्यादा मतों से बढ़त दी गई, और इस बढ़त में इस सरकार के बनने में बेनीपट्टी की भी भूमिका है। हमने न सिर्फ लोकसभा जितवाने का काम किया बल्कि बेनीपट्टी से एक बड़ी बढ़त देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त लेकिन जब हम बड़ा काम करते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं, बहुत मेहनत से वोट डालते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। बेनीपट्टी का कि बहुत आकांक्षाएं। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में यहाँ 2 NH का निर्माण स्वीकृत हुआ। प्रथम कार्यकाल में 1314 से 1919 के बीच में उच्चैठ से उग्रतारा और 1919 से 1924 के बीच में सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है उसकी स्वीकृति मिली, और दोनों NH एक शहर से जा रही है, एक कस्बे से गुजरती है। ये अपने आप में भी असाधारण है, एक जगह दो इतने महत्वपूर्ण स्ट्रेच जो यहाँ से गुजरेगी ये यहाँ से जाती है। तो लोगों की आकांक्षाएं हैं कि वो जल्द शुरू हो। उच्चैठ उग्रतारा का काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, इससे लोगों की चिंताएं हैं, मेरी भी चिंताएं हैं, मैं सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करा रहा हूं। लेकिन दूसरे का काम तो और भी धीमा है, जो सिलीगुड़ी से गोरखपुर वाला स्ट्रेच है। इस ग्रीनफील्ड में अभी तक तो 3A का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 3a का हो गया है, जगह गांवों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, और 3A होने के बाद यहाँ खाता खेसरा की पहचान हो जाएगी, वो होगा फिर काम शुरू होगा। लेकिन जब हम लोग कोई बहुत देता है तो उससे हमारी उम्मीदें भी जग जाती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में नितिन गडकरी जी ने हमारे यहाँ बहुत दिया है, तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ गई है कि और हमको देंगे। अब बेनीपट्टी में सिर्फ एक बड़ी चीज़ बाकी रह गई जो भारत सरकार ही दे सकती है, वो है बेनीपट्टी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाए। और इसके लिए जरूरी ये है कि एक सीतामढ़ी जिला के किसी बड़े स्टेशन से मधुबनी जिला के किसी स्टेशन को जोड़े और बेनीपट्टी में भी एक रेलवे स्टेशन हो, तो संचार के दृष्टि से एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम हो जाएगा। तब हमारी निगाहें भारत सरकार पर है कि भारत सरकार एक बार जिस तरह हमारे मदद की है आने वाले दिनों में मदद करे और रेलवे लाइन का काम की भी स्वीकृति दे। सर्वेक्षण का काम एक आध बार चला है, मैं भी विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो बिहार विधानसभा ने स्वीकृत किया है भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजवाया है कि आप इस पर शुरू कराइए। पहले भी एक आध इस पर चर्चाएं हुई है, इस चर्चा को बल मिले और ये काम जल्द से जल्द हो जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए केंद्र सरकार के काम बटे हुए हैं और देश दुनिया में जो हमारा मान प्रतिष्ठा है उससे हम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मधुबनी जिला एक बॉर्डर का जिला है। बॉर्डर जिला होने से कि यहाँ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो करने की ज़रूरत है। हम लोग बार बार भारत सरकार को इसके लिए स्मारक पत्र भी देंगे और आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ये काम आगे बढ़े। देखिए, लोकतंत्र में जब आप तीसरी बार लड़ते हैं तो कई फैक्टर सामने आता है,
उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। हम बहुत कम सीट नहीं जीते, हम काफ़ी अच्छा सीट जीते। एनडीए ने 40 में से 30 जीतने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी में ने 17 में 12 जीतने का काम किया, 5 हम हार गए, इसका हमें कष्ट है। और कुछ सीटें तो हमने काफ़ी कम वोट से हारा है, हाँ जैसे बक्सर, सिर्फ 30,000 से हमारी हार हुई है, ये बहुत छोटा मार्जिन है। ऐसे ही कई जगहों पर ये परिस्थितियाँ हुई है, तो ये कोई खास नहीं है। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो बिहार में भी बनी हुई है, लेकिन हमारे सांसदों का या और भी सरकार का भी 10 सालों में एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाता रहा है। लेकिन ये जो कठिनाइयां हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हमारा सीट घटा, आने वाले विधानसभा में इसकी भरपाई हो, हम उन हारे सीटें पर भी विधानसभा जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर बना रही है और हमने इसका मंथन भी किया है। आगे इस पर काम करते रहेंगे और इस सफलता को हम आने वाले दिनों में सफलता में बदलेंगे। नहीं, इस पूरी तरह से समझा, कहीं कहीं ये कन्फ्यूजन हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन के लोगों को पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं था, नहीं विचारधारा के स्तर पर, नहीं राष्ट्रवाद के स्तर पर, ना ही विकास के स्तर पर। इसलिए उन्होंने एक झूठा नैरेटिव करने का प्रयास किया। वो नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान का विरोधी है, ये गलत है। हम संविधान को किसी भी धर्म ग्रंथ से ज़्यादा महत्व देते हैं और जब जब आरक्षण की लड़ाइयाँ हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासन में इसको मजबूती दी गई है और इसलिए हमारे इलाके में तो कोई कठिनाई नहीं हुई। बेनीपट्टी इलाके में तो अधिकांश महादलितों ने नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दिया है और इसलिए हम अपने इलाके में संतुष्ट हैं। और उनके जो प्रचार था महागठबंधन वालों का या इंडिया गठबंधन वालों का, उसका हमारे क्षेत्र में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि कहीं कहीं असर हुआ है। वो लोग अब पछतावे में हैं कि ये गलतियां कैसे हुई, आने वाले दिनों में इसका सुधार होगा। नीतीश कुमार जी तो बार बार कह रहे हैं कि अब जो बीत गई सो बात गई, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब यहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान किया है, उससे ज़्यादा सम्मान कोई कहीं भी गठबंधन के लिए ये आदर्श उदाहरण है कि हम जब ज़्यादा सीटों पर भी थे तो भी नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि 2025 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, इसीलिए भी किसी रूप में हमें नीतीश जी की बातों पर विश्वास है, भरोसा है कि वो हमारे साथ रहेंगे और यहाँ और हम लोग साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।